नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई अन्य कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। संयुक्ता अपनी माँ के साथ रसोई में चाय नाश्ता बनाने में लगी हुई थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान हॉल में बैठे हुए अपने मंगेतर अभिषेक पर ही लगा हुआ था। अभिषेक संयुक्ता के पापा और बुआ जी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। संयुक्ता और अभिषेक की 2 महीने पहले ही सगाई हुई थी। संयुक्ता की बुआ पद्मा जी लंदन में रहती थी और वह अचानक से सगाई में आ नहीं पाई थी, इसलिए आज जब बुआ जी लंदन से आई थी तो उन्होंने अभिषेक को भी मिलने के लिए बुला लिया था। चाय बन जाने पर संयुक्ता सभी के लिए चाय लेकर हॉल में आई। हॉल में अभिषेक से नजरें चार होते ही संयुक्ता के गाल शर्म से गुलाबी हो उठे और उसकी पलकें लाज के मारे भारी होकर खुद ब खुद झुक गई। अभिषेक भी हॉल से मुस्कुरा उठा। अभिषेक को चाय का प्याला पकड़ाते हुए अभिषेक ने जानबूझकर उसकी कोमल उंगलियों को छू लिया। उसी पल संयुक्ता ने अपने पूरे शरीर में एक तेज झंझनाहट का अनुभव किया। उसके हृदय में आनंद की सैकड़ों लहरें उठने लगी और वो शर्मा कर रसोई में भाग गई। प्यार का ये भी एक रंग है, जो मजा लोगों की भीड़ में चोरी छुपे प्यार जताने में है, उसे महसूस करने वाला ही उस आनंद को समझ सकता है। थोड़ी देर के बाद अभिषेक भी अपने घर चला गया। उसके बाद बुआ जी शुरू हो गई। वह कहने लगी, अरे भैया, लड़का तो देखने में ठीक ठाक ही है, लेकिन ऐसे भी क्या मजबूरी थी जो ऐसे परिवार में आपको बेटी का रिश्ता करना पड़ा। संयुक्ता के पापा प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए बोले, क्या बात है दीदी, आप किस बारे में बात कर रही हैं। पद्मा जी मुंह बिचकाते हुए बोली, मुझे सब अच्छे से पता है, लड़के का छोटा भाई पागल है ना, ऐसे परिवार में बेटी क्यों भेज रहे हो। संयुक्ता भी सब सुन रही थी। उसे भी पता था कि अभिषेक का छोटा भाई मिलिंद दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसके पापा ने अच्छा घर और लड़के के गुण देखकर यह रिश्ता तय कर दिया था। उन्होंने अपनी दीदी को समझाते हुए कहा कि देखो दीदी, लड़का पागल नहीं है, बस थोड़ा मंद बुद्धि है, और वैसे भी संयुक्ता की शादी अभिषेक से हो रही है, उसे मिलिंद से क्या दिक्कत होगी। अगर सभी लोग ऐसा ही सोचने लगे तो जिस घर में ऐसे मंदबुद्धि होते हैं उस घर में तो किसी की शादी ही ना हो। मेरा यकीन मानिए, संयुक्ता उस परिवार में बहुत सुखी रहेगी, क्योंकि उस परिवार के सभी लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। लेकिन बुआ जी सिर हिलाते हुए बोली, जिंदगी एक दिन की नहीं होती है, पता नहीं कल को क्या हो जाए, कैसी परिस्थिति आए, ऐसे में मुझे तो अपनी बच्ची के लिए डर लग रहा है। बुआ जी का सोचना भी पूरी तरह से गलत नहीं था। संयुक्ता भी उनकी चिंता को समझ रही थी, इसलिए संयुक्ता के मन में भी थोड़ी घबराहट आ गई थी। लेकिन रिश्ता तय हो चुका था और अगले महीने ही उनकी शादी होने वाली थी। देखते ही देखते दिन बीत गए। संयुक्ता जब भी अभिषेक से बात करती तो उसे लगता कि उसके पापा का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि अभिषेक का व्यवहार बहुत ही विनम्र था और उसकी बातों की गहराई ने संयुक्ता के दिल को छू लिया था। मन ही मन वो अभिषेक से बहुत प्रेम करने लगी थी, लेकिन इस बीच जब भी वो अपने देवर के बारे में सोचती तो असहज हो जाती कि पता नहीं ऐसे इंसान के साथ एक घर में वो किस तरह रह पाएगी। देखते ही देखते दोनों की शादी भी हो गई और संयुक्ता अपनी आंखों में उज्जवल और सुखमय भविष्य के सपने सजाए हुए विदा होकर अपनी ससुराल भी पहुंच गई। संयुक्ता के ससुर जी ने अभिषेक और संयुक्ता को हनीमून के लिए मसूरी भेजा था। वहां एकांत के पलों में दोनों पति पत्नी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण होकर जब वे हनीमून से वापस आए तो अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालने में जुट गए। संयुक्ता के ससुराल में उसके सास ससुर देवर और पति इतने ही सदस्य थे। संयुक्ता के ससुर जी और पति सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते थे और संयुक्ता अपनी सास के साथ मिलकर घर का सारा काम संभालती थी। संयुक्ता जब भी अपने देवर मिलिंद के सामने जाती थी तो थोड़ी घबरा जाती थी, क्योंकि उसका देवर उससे ज्यादा अच्छे से बात ही नहीं करता था। संयुक्ता भी हिचकिचाहट के कारण देवर से ज्यादा बातें नहीं करती थी। मिलिंद भी अजनबियों से जल्दी घुल मिल नहीं पाता था, इसलिए अपनी भाभी के साथ वह भी असहज महसूस करता था। संयुक्ता सोचती थी कि पता नहीं इसका दिमाग कैसा है, कब इसे क्या हो जाएगा। बुआ भी तो कहती थी कि पागलों का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब क्या कर बैठे, इसलिए वो अपने देवर के सामने जाने से बचती रहती थी। एक दिन घर के मर्द ऑफिस गए हुए थे। संयुक्ता सास के साथ मिलकर दोपहर का खाना बना रही थी।
तभी संयुक्ता के ससुर जी घबराए हुए से घर आए। अचानक से ससुर जी को देखकर संयुक्ता चौंक गई। उसके ससुर जी ने बताया कि गांव में मामा जी का देहांत हो गया है, ऐसे में परिवार के सभी लोगों को गांव जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि संयुक्ता नई बहू है और वो पहले कभी गांव नहीं गई थी, इसलिए उन्होंने संयुक्ता से कहा कि घर की नई बहू सबसे पहले मातम में नहीं जाती है, तो तुम यहीं पर रहकर मिलिंद का ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे माहौल में मिलिंद को ले जाना भी उचित नहीं है। मिलिंद ऐसे माहौल में बेचैन हो जाता है, वो किसी का रोना बिलखना देख नहीं पाता है। अब मजबूरी थी, इसलिए संयुक्ता को अपने देवर मिलिंद के साथ घर पर अकेले ही रुकना पड़ा। उसके पति और सास ससुर गांव जाने के लिए निकल पड़े थे। सर्दी का मौसम था तो शाम को जल्दी ही अंधेरा गहराने लगता था। संयुक्ता ने शाम को जल्दी से खाना बना लिया था, क्योंकि रात बढ़ने के साथ ही ठंड भी बढ़ती जाती थी। इसलिए उसने सोचा था कि जल्दी से खाने के बाद बाकी का काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर सो जाएगी। वैसे भी मिलिंद के साथ अकेले रहने में उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वैसे तो मिलिंद उसे कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। उसने जल्दी से मिलिंद को खाना दे दिया और आधे घंटे के बाद उसे दूध भी दे दिया। खुद भी खाना खाकर संयुक्ता रसोई समेट रही थी, तभी मिलिंद रसोई में आ गया और संयुक्ता के पीछे खड़ा होकर उसे एक टक देखने लगा। संयुक्ता ने पीछे पलट कर देखा तो मिलिंद को देखकर चौंक गई। मिलिंद के कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे और उसका स्वेटर भी उसके शरीर से गायब था। संयुक्ता के दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी। देवर के अस्त व्यस्त कपड़े और उलझन भरे चेहरे को देखकर संयुक्ता को रोना आ रहा था कि घर वाले उसे मिलिंद के साथ अकेले छोड़कर क्यों चले गए। तभी मिलिंद उसे इशारे से अपने पास बुलाने लगा, लेकिन संयुक्ता आगे नहीं बढ़ी तो मिलिंद ही आंखों में चमक लिए हुए संयुक्ता के पास आ गया और बड़े ही मासूमियत से बोला, भाभी एक बड़ी कटोरी में मुझे दूध चाहिए। संयुक्ता के मुंह से अनायास निकल गया, क्यों देवर जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपको एक गिलास दूध दिया था, अब आपको फिर से दूध किस लिए चाहिए। अपनी बात पूरी ना होते हुए देखकर मिलिंद थोड़ा बौखला गया। वो अजीब तरीके से सिर झटकते हुए कहने लगा, मुझे अभी दूध चाहिए, मैंने कहा ना कि मुझे दूध चाहिए, तो मुझे दूध चाहिए ही। संयुक्ता उसकी बदलती हुई मुख मुद्रा देखकर कांपने लगी और सोचने लगी कि अगर अभी यह बेकाबू हो जाएगा तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वह कांपते कदमों के साथ रसोई में गई और उसने एक बड़ी सी कटोरी में दूध लाकर मिलिंद को दे दिया। दूध की कटोरी हाथ में पकड़ते ही वो खुश हो गया और उसका चेहरा फूल सा खिल उठा। वो दूध की कटोरी लेकर भागकर आंगन में चला गया। संयुक्ता को ये जानने की बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर मिलिंद दूध लेकर करने क्या वाला है। संयुक्ता दरवाजे की ओर से छिपकर आंगन में झांक कर देखने लगी। वो ये देखकर हैरान रह गई कि मिलिंद ने आंगन के एक कोने में एक छोटे से पिल्ले को अपने स्वेटर में लपेट कर रखा हुआ था। कपकपाती ठंड में पिल्ला भूख से बेहाल था। मिलिंद ने जैसे ही उसे दूध दिया तो वह फटाफट से दूध चट कर गया। पेट भरते ही वह पिल्ला पूंछ हिलाने लगा। यह देखकर संयुक्ता की आंखें पता नहीं क्यों नम हो गई। उस वक्त मिलिंद के चेहरे पर एक अनोखा सुकून और तेज था। वो उस कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर पुचकार रहा था। उसे इस पल देखने से जरा भी नहीं लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई कमी है या उसे कोई बीमारी है। अपने आप ही संयुक्ता के कदम आंगन की तरफ बढ़ गए और वो मिलिंद के पास आकर बैठ गई। भाभी को देखते ही मिलिंद खुशी से किलकारी मारते हुए कहने लगा, भाभी देखो ना, ये कितना प्यारा है ना, इसका नाम मैंने रॉकी रखा है, अब इसकी देखभाल ना मैं ही करूंगा। भाभी पीछे वाली सड़क पर बहुत सारे बड़े बड़े कुत्ते इसे परेशान कर रहे थे, तो ना बड़ी मुश्किल से मैं इसे वहां से बचा कर लाया हूँ, इसलिए अब यह मेरी जिम्मेदारी है। अपने भोले भाले देवर के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर संयुक्ता अपलक उसे निहारे जा रही थी। आज उसने मिलिंद के व्यक्तित्व के एक अनछुए पहलू को देखा था और वो ये जान गई थी कि भले ही उसका देवर थोड़ा मंद बुद्धि है, लेकिन प्रेम करुणा और संवेदना उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। आज उसकी निश्चल मुस्कान एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। मिलिंद अपना स्वेटर पिल्ले को पहनाकर खुद ठंड से कांप रहा था। संयुक्ता ने अपना शॉल निकालकर अपने देवर के कांपते हुए शरीर से लपेटते हुए कहा, देवर जी आपको भी तो ठंड लग रही है। मिलिंद की आंखें खुशी से जगमगा उठी और वो कहने लगा कि भाभी आप कितनी अच्छी हो, आप बिल्कुल माँ की तरह मेरा ध्यान रखती हो, क्या मैं आज से आपको भाभी माँ बुला सकता हूँ। संयुक्ता ने नम आंखों से सहमति में सिर हिला दिया। आज देवर के प्रति उसका डर एक पल में ही गायब हो गया था
और वह सोच रही थी कि उसका देवर बस अपनी उम्र से जरा पीछे है, उसका दिमाग जरा अल्प विकसित है, लेकिन उससे डरने की क्या जरूरत है, उसे तो बस स्नेह चाहिए। उस दिन के बाद से देवर और भाभी के बीच माँ बेटे की तरह प्यार उत्पन्न हो गया था। संयुक्ता अब मिलिंद के साथ काफी घुल मिल गई थी। दोनों साथ में लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे और दोनों मिलकर रॉकी का ध्यान भी रखते थे। उस रात के बाद से संयुक्ता को कभी भी मिलिंद की वजह से घबराहट नहीं हुई, क्योंकि वह उसके साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सीख चुकी थी। दोस्तों, कई ऐसे परिवार होते हैं जिसमें कोई सदस्य किसी कारणवश अल्प बुद्धि का हो जाता है, लेकिन उसे पागल नहीं समझना चाहिए और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्यार की भाषा समझ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।